नमस्ते इंडिया। कभी कभी चलने पर पैर मुड़ जाते हैं, या तो फिर दौड़ते वक्त पैर ट्विस्ट हो जाने पर, या तो फिर कभी गिरने की वजह से पैर में मोच आ सकती है। ठीक इसी तरह घुटनों के साथ भी ऐसा होता है। चोट लगने पर या तो फिर जब हड्डियों पर ज़्यादा जोर पड़ता है तो उसकी वजह से घुटनों की जो हड्डियाँ होती है उसके ऊपर मोच आ सकती है, यानी कि हड्डियों में किसी भी तरह का डैमेज होने पर आपको मोच आ सकती है। इस बात से तो हम सभी वाकिफ होते हैं कि जब भी मोच आती है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। हालांकि अगर मोच जो है वो बहुत ही एकदम सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाए, यानी कि सही समय पर इसको ठीक ना किया जाए, तो वो बेशक एक परेशानी बन सकती है। अगर आपके पैर में मोच आ गई है और आप अभी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, तो आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना कर अपने इस मोच से आप राहत पा सकते हो। तो आज हम कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पैर में भी मोच आ गई है तो आप कैसे इसको घरेलू नुस्खों से उसको कैसे ठीक कर सकते हो और इस दर्द से आप कैसे राहत पा सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको जब भी मोच आए तो आपको तुरंत ही कोई कॉम्प्रेसर का सहारा लेना चाहिए, यानी कि बर्फ़ से आपको तुरंत ही सिकाई करनी चाहिए। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सीधे बर्फ़ से आपको कभी भी ठंडी सिकाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए हमेशा एक कपड़े के अंदर लपेट कर ही ठंडी सिकाई करनी चाहिए, यानी कि बर्फ़ से आपको कपड़े के अंदर ढक कर ही सिकाई करनी चाहिए। इसको आप दिन में 3 से 4 बार उस हिस्से पर आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए। इससे जो सूजन होता है उसका खतरा बहुत ही कम हो जाता है और साथ ही में दर्द में भी राहत मिलती है। हल्दी वाला दूध जो है वो किसी भी टाइप की बीमारी हो उसको दूर करने में मदद कर सकता है और साथ ही में दर्द भी खींच लेता है। तो आप इस दौरान हल्दी वाला दूध ज़रूर पिए, और तो और आप हल्दी का पेस्ट भी लगा सकते हो। देखिए, हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, यानी कि पानी के अंदर हल्दी मिक्स करके आप इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर अपने जो इफ़ेक्टेड एरिया है, यानी कि जहाँ पर आपको चोट लगी है, वहाँ पर आप इस पेस्ट को 2 घंटे तक लगाकर छोड़ सकती हो। फिर गुनगुने पानी से उस हिस्से को साफ कर लेना है। इससे भी आपको दर्द में बहुत ही राहत मिलेगी। लौंग जो है वो दरअसल दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है, मगर यहाँ पर हड्डियों की मोच में भी लौंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो। लौंग का जो तेल होता है, यहाँ पर आपको उससे मालिश करनी है। जब भी आपके पैर में मोच आए तो आपको तुरंत ही लौंग के तेल से उस जगह पर मालिश करनी चाहिए। दरअसल लौंग के तेल के अंदर एनेस्थेटिक गुण होते हैं, यानी कि वो सूजन को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। तो आप दिन में 2 से 3 बार लौंग के तेल से आप मालिश कर सकते हो। इसको अफेक्टेड एरिया पर तेल लगाना है, फिर हल्के हाथों से आपको थोड़ी सी मालिश करनी है। 5 से 10 मिनट मालिश करने के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। इससे भी आपको दर्द में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी।